एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक्स। तो यहाँ पे ये पार्ट वन है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कवरेज करने वाली हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट का। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो मेंशन नहीं किए हैं फिर भी उस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है सीरीज़, तो हम एक समरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि 2 से 3 घंटे में पूरे के पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट को रिवाइज कर देंगे, जितना भी हम लोग ने सीखा रहेगा। तो ये सिलेबस है, आपने देखा ही होगा सिलेबस। तो यहाँ पे हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो मार्केटिंग में क्या होता है, गुड्स को बनाया जाता है और कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होती है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो भी मार्केटर प्रोडक्ट बना रहा है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बना रहा है और कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कस्टमर की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हायर हो रही है। तो ये डेफिनेशन दिया गया है। और उसके बाद है सेकेंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे मार्केटिंग को एक प्रोसेस बताया है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये निरंतर, मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है, जहाँ पे क्या होता है वॉलंटरी एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे वॉलंटरी एक्सचेंज होता है बिटवीन कस्टमर एंड मार्केटर। मार्केटर गुड्स, मार्केटर प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर तक पहुँचाता है, और यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज होता है, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट के बदले में क्या देता है, प्राइस पे करता है। तो ये डेफिनेशन दी थी विलियम और माइकल ने। थर्ड डेफिनेशन है मार्केटिंग इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग का मतलब है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर है उनकी नीड और वांट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसलेट कर देते हैं उनकी नीड और वांट को इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम उनकी नीड और वांट का पता लगाते हैं कि उनको, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है। उसके बाद वो सब पता लगाने के बाद कि उनको चाहिए क्या, प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए, वो पता लगाने के बाद फिर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट होती है और इससे पूरा का पूरा डिमांड जो है वो एक्सपांड हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। मार्केटिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट जो भी बनाए जाते हैं उसको मैच कराया जाता है मार्केट से, कि मार्केट में रहने वाले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड और वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। जो भी प्रोड्यूसर है जिन्होंने गुड्स बनाया है वो कस्टमर तक गुड्स पहुँचाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। तो ये डेफिनेशन दिया था किसने, एडवर्ड ने। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन में कहा गया है कि मार्केटिंग में, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी आती है दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर और सप्लायर टू कंज्यूमर और एंड यूजर। यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे फ्लो होता है गुड्स का, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जो है उसका फ्लो होता है प्रोड्यूसर जिसने गुड्स को बनाया है उसके पास से गुड्स कहाँ तक जाता है, कंज्यूमर तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। तो ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग एक सोसाइटियल प्रोसेस है। यहाँ पे भी सेम बात की गई है, जहाँ पे बात की गई है देखिए, बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन वॉट दे नीड एंड वॉन्ट। तो मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटियल प्रोसेस है जहाँ पे रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स है उन, वो जो भी चाहते हैं, जो भी इनकी नीड और वॉन्ट है उसको क्या किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली गुड्स बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं और एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज
वैल्यू विथ अदर्स। इसका मतलब है कि जो भी गुड्स है वो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल और ग्रुप के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, उनकी नीड और वांट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बदले में उससे क्या ली जाती है, वैल्यू ली, मतलब उसके बदले में उससे कीमत ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट जो है, वैल्यू का मतलब ये है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट है वो ज़्यादा है कॉस्ट से। कस्टमर ने कॉस्ट पे किया है, वो कम पे किया है, पर उससे बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था अपने पहले वाली वीडियो में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि पहले नीड और वांट का पता लगाया जाए, उसी के बाद क्रिएट किया जाए प्रोडक्ट को, और यहाँ पे एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट और सर्विसेज एक वैल्यू पे। और अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है, अकम्प्लिश करने की कोशिश की जाती है। पहले पता लगाया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है, उसकी नीड्स के बारे में पता लगाया जाता है। फिर बाद में फ्लो, मैंने बताया था ना फ्लो होता है गुड्स का, वही यहाँ पे भी बात की गई है। डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ नीड, सेटिस्फाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। फिर फ्लो होता है गुड्स का, जिसमें हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के नीड को। तो ये डेफिनेशन में कहा गया है, तो ये डेफिनेशन दी थी विलियम और एमसी कार्थे ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पूरा मार्केटिंग बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग है क्या। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। हम टारगेट मार्केट को चूज करते हैं और उसके बाद वहाँ पे कस्टमर को मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ले, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी गुड्स बनाया है, मतलब मार्केटर ने जो भी गुड्स बनाया है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो जिससे क्या होंगे, कस्टमर हमारे पास आएंगे और हम उनको अपने पास रिटेन करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाने की कोशिश करेंगे, ग्रो करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर जो सोचता है उससे भी ज़्यादा हम उसको देंगे, प्रोडक्ट को हम उसी के अकॉर्डिंगली बनाएंगे और उस तक पहुंचाएंगे और प्रमोशन भी करेंगे। कम्युनिकेटिंग का मतलब यहाँ पे है प्रमोशन करना, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, जितना उसने सोचा है उससे भी ज़्यादा हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जितना भी वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा का उसको बेनिफिट देंगे। उसके बाद है, इन शॉर्ट मार्केटिंग क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। हम नीड्स को तो फुलफिल करेंगे ही, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाएंगे, ये कहता है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट ऑथर इन द डिफरेंट वे विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री। तो अलग अलग डेफिनेशन से ये भी देख लेते हैं, ये भी सिमिलर है जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या बात की गई है, प्रोडक्ट के ऊपर बात की गई है, ठीक है। 1985 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने रीडिफाइन किया मार्केटिंग को, कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग की जाती है और फिर उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसकी प्राइसिंग की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, फिर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आइडियाज़ भी होते हैं, गुड्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती है। सिर्फ गुड्स की ही नहीं मार्केटिंग होती है, आइडियाज़ की भी होती है, सर्विसेज की भी होती है, इवेंट्स की भी होती है, अलग अलग चीज़ों की भी होती है। तो यहाँ पे ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। टू क्रिएट एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज होता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, और सेटिस्फाई किया जाता है एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल के गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होता है। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन डेफिनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये कस्टमर के ऊपर फोकस करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात की गई थी इस डेफिनेशन में। यहाँ पे इम्फेसिस किया गया है कस्टमर के ऊपर और उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर। अगर हम बात करें फिलिप कोटलर के शब्दों में, तो मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, जहाँ पे हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं नीड्स एंड वांट, किसकी, कस्टमर्स की, थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन दिया था फिलिप कोटलर ने, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में प्रोडक्ट हमने बनाया है, बट कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद बात करें वैल्यू ओरिएंटेड डेफिनेशन की, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। ये 2004 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया था। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर किया जाता है वैल्यू टू कस्टमर। कस्टमर को जितना कस्टमर कॉस्ट पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले, ये कोशिश की जाती है। यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन द वे दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर। सिर्फ उसको डिलीवर कर देना ही मार्केटिंग नहीं होता है, हमें उसको रिटेन करके रखना है, उसके साथ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखनी है, उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करना है, जिससे क्या होता है कि कस्टमर लॉयल हो जाते हैं ब्रांड की तरफ, और इससे हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी को ही फायदा होता है, ठीक है, और उसके स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ तक हो गया है हमारा, यहाँ से आपको पूरा मार्केट समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से कोशिश की है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैंने पिछले वीडियो में कराया था। अब यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन कराने वाली हूँ क्योंकि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि मार्केटिंग क्या सिर्फ गुड्स की होती है क्या? नहीं, गुड्स के अलावा भी और भी 10 चीज़ें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। जैसे गुड्स की, गुड्स में आपके फिजिकल गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन बल्क में किया जाता है और मार्केटिंग एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे गुड्स को देखते हो जिनकी एड आती है, ठीक है, उनका बल्क में ही प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें अलग अलग गुड्स आते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, बहुत मतलब टेंजेबल गुड्स, कार हो गया, ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में क्या होते हैं, सर्विसेज जो देते हैं एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल फर्म्स, ब्यूटीशियन, बार्बर, ठीक है, इनकी जो भी सर्विसेज आती है वो इंक्लूड होती है इसमें। अकाउंटेंट्स भी आते हैं, बैंकर्स भी आते हैं, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, इनके द्वारा दी गई सर्विसेज, तो सर्विसेज की भी मार्केटिंग होती है। उसके बाद इवेंट्स, तो अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं, आपने आईपीएल देखा होगा, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे मार्केटर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं टाइम बेस्ड इवेंट को, अलग अलग ट्रेड शोज को, मेजर ट्रेड शोज को, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस को, कंपनी की एनिवर्सरी को, ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जैसे क्रिकेट का इवेंट हुआ तो वहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं, तो वहाँ से भी पैसे कमाए जाते हैं, तो उसकी भी मार्केटिंग होती है। सच एज ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, आर प्रमोटेड एग्रेसिवली टू बोथ कंपनीज एंड फैन। अब बात करें एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग होती है। इसमें एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी का, एम्यूजमेंट पार्क का, वाटर पार्क का, जहाँ पे हम जाते हैं, इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उसके बदले में हमें पे करना होता है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग होती है। उसके बाद पर्सन, पर्सन में आते हैं सेलिब्रिटी मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। इसमें अलग अलग आर्टिस्ट को लिया जाता है, एक्टर्स को लिया जाता है, म्यूजिशियन को लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हाई प्रोफाइल लॉयर होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, वो जितने प्रोफेशनल होते हैं वो सेलिब्रिटी मार्केटिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं ना कि ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो कंपनी के मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटी मार्केटिंग के बारे में भी आप जानते ही हो। अब उसके बाद प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस में अलग अलग प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। अब जैसे कि बैंगलोर को बैंगलोर जो है, ठीक है, उसने पोजीशन किया है खुद को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, और केरला को गॉड्स ओन कंट्री, तो यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग पहचान होती है, जिसके वजह से मार्केटिंग प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। और यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, मोस्टली क्या किया जाता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज आर इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी भी आती है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टीज में आती है आपकी रियल स्टेट, और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में आते हैं स्टॉक बॉन्ड। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है बेची जाती है, खरीदी जाती है,
ठीक है, यहाँ पे इनके एक्सचेंज के लिए क्या लगता है, मार्केटिंग लगता है। ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी इमेज जो है यूनिक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है अपने टारगेट पब्लिक्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स में दिखते हैं, ठीक है, जो स्कूल्स में मिलते हैं, या जो यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है, या जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्राइस पे ही मिलते हैं ना, बुक्स भी आपको प्राइस में मिलते हैं। स्कूल्स में जाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज रहता है, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ दिया जाता है, बैग से लेके बुक्स वगैरह सब कुछ, कोचिंग क्लासेस में भी सब कुछ दिया जाता है, तो उसके बदले में एक प्राइस चार्ज किया जाता है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है, आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है। बहुत सारे सोशल मार्केटर्स जो होते हैं वो आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग एड्स आते हैं टीवी पे, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और तंबाकू का भी एड आता है टीवी पे, दिखाता है उससे कैंसर होता है। तो वो सारे क्या है, आइडियाज़ की भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट कराया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कराती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमने नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये दो कॉन्सेप्ट, और ये सेलिंग कॉन्सेप्ट, और इसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इस टॉपिक को भूल के भी स्किप मत करना। यहाँ पे मैंने की वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि आपको समझाया जा सके, एग्जाम में आपको इसी वर्ड से ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉसिबल करके आपके लिए एमसीक्यू भी इंक्लूड कर दिया है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे आंसर नहीं रखे मैंने, ठीक है, ताकि स्लाइड इधर उधर होती है तो आंसर्स भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि आपको करवाने चाहिए, तो एमसीक्यू भी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। इसके साथ साथ अगर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा मार्केटिंग, तो एक समरी वीडियो तो आपको मैं दूंगी ही, इसके साथ साथ एमसीक्यू वीडियो भी आएगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जो कि नेट सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर ये आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँगी। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन से ही आपको समझना है कि यहाँ पे क्या बात की गई थी, वो मैं बता देती हूँ कि जो भी यहाँ पे मार्केटर था वो क्या सोचता था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। प्रोडक्ट अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कस्टमर थे वो भी यही प्रोडक्ट लेना चाहते थे, क्योंकि ये अच्छे खासे क्वांटिटी में और कम प्राइस में मिल जाते थे, ठीक है, और सस्ते होते थे ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को भी फायदा होता था, अगर हम कहें तो यहाँ पे जो मैनेजर्स थे उनको भी फायदा होता था, क्योंकि वो लो कॉस्ट में बना पाते थे और बल्क में प्रोडक्शन करते थे, और कस्टमर को भी फायदा होता था कि एक प्रोडक्ट सस्ते मिलते थे, भले ही इस प्रोडक्ट में कोई वैरायटी ना हो, कोई फीचर्स ना हो, फिर भी वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते थे, तभी यहाँ पे कस्टमर जो है यही प्रोडक्ट को परचेस करते थे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट इन द बिजनेस, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये। इट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल प्रीफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल, जो कि वाइडली अवेलेबल हो और इनएक्सपेंसिव हो। यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स परचेज करते थे कौन, कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैनेजर्स होते थे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात करते थे और कॉन्सेंट्रेट करते थे अचीव करने के लिए हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट। अभी समझो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट कम आएगी, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, दैट इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फीचर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बल्क में प्रोडक्शन करने की बात की गई थी, प्रोडक्ट में कोई भी वैरायटी
नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो आया कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया गया, उसके अंदर इनोवेटिव फीचर्स डाले गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, और यहाँ पे मैनेजर्स जो थे वो फोकस करते थे सुपीरियर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उनको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बात की गई थी? इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। हाँ, हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कीवर्ड्स पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कहा गया कि कस्टमर वही परचेज करेंगे प्रोडक्ट जिसके अंदर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स हो। बस ये लाइन को ध्यान में रखना, ठीक है, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात की गई थी कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी कमाने पे ध्यान दिया गया था। और अगर हम बात करें, इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया में क्या होता है? बेसिकली मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट की ही क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, पर यहाँ पर कस्टमर के ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया गया। कस्टमर, कंज्यूमर जो है वो चाहता क्या है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की गई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अटेंशन दिया गया प्रोडक्ट के ऊपर और इग्नोर किया गया कस्टमर्स को। तो ये एक बहुत ही नैरो परसेप्शन था, तो ये मार्केटिंग मेओपिया कहलाता है। ठीक है, और ये टर्म दिया था किसने? प्रोफेसर, ये लिख लेना आपने, मार्केटिंग मेओपिया किसने दिया था? प्रोफेसर थेडोर लेविट ने। ठीक है, आगे भी उनका आएगा एक डेफिनेशन, तो उनका नाम अगर आप वहां से स्पेलिंग देखना चाहते हो तो देख लेना, थेडोर लेविट ने दिया था। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ही दिया गया था, यहाँ पे कस्टमर को इग्नोर कर दिया गया था। आगे हम बात करें सेलिंग कॉन्सेप्ट की। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था, ध्यान से सुनना। सेलिंग कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि हमें अगर हम प्रोडक्ट को बना दे तो अपने आप नहीं बिकेगा। ठीक है, हमें उसके लिए प्रमोशनल एफर्ट करने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट में कहा गया, इट होल्ड दैट कंज्यूमर एंड बिजनेसेस इफ लेफ्ट अलोन वॉन्ट बाय इनफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। अगर हमने मतलब कि अगर प्रोडक्ट बना के रख दिया है, ठीक है, तो वो बिकेगा ही नहीं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रमोशनल एफर्ट करने होंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और प्रोडक्ट बिकेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है वो मैं बता रही हूँ, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। ये क्या है? इसका कीवर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो यहाँ पे बात की गई थी अनसाउट गुड की। ठीक है, अनसाउट गुड वो गुड्स होते हैं जिसको कोई भी कंज्यूमर लेना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अनसाउट गुड वो गुड होते हैं जिनको कोई भी कंज्यूमर लेना नहीं चाहता है। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही क्या लगती है सेलिंग, मतलब इसी के लिए क्या लगता है? एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एफर्ट लगते हैं ताकि कस्टमर को परसुएट किया जा सके। तो अनसाउट गुड का कॉन्सेप्ट आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि अनसाउट गुड का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, तो आपको बताना है सेलिंग कॉन्सेप्ट में आया था। ठीक है, तो सेलिंग अनसाउट गुड वो गुड होते हैं जिसको कस्टमर लेना नहीं चाहता है। इसमें इंश्योरेंस आते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज वगैरह आते हैं, फनरल सर्विसेज आती है, तो कस्टमर लेना नहीं चाहता है। और उसी के लिए एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट अगर हम करते हैं तो हम उनको परसुएट कर सकते हैं, अगर हम तो वह परसुएट कर सकते हैं बाय करने के लिए। तो ये हो गया सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है, एक सेकेंड। तो
तो दोस्तों आगे का है कॉन्सेप्ट जो है, अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की बात की गई थी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की थी, सेलिंग कॉन्सेप्ट में एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट की बात की गई थी, और इसके अंदर क्या आता है, अनसर्व्ड गुड आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने तीनों कॉन्सेप्ट पीछे के देखे थे, कहीं पे भी कस्टमर की भलाई की बात नहीं की गई थी, कहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कहीं पे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, कहीं पे सेलिंग करनी है, मतलब एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सके, पर कस्टमर की कहीं पे भी बात नहीं की गई थी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था 1950 के अंदर, और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में बात की गई थी। अगर हम बात करें तो ये एमर्ज हुआ था 1950 में, और यहाँ पे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था जो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, मतलब पहले वाले जितने भी थे वो प्रोडक्ट के ऊपर ही थे, और वहाँ पे बनाना और बेचना बस यही बात की गई थी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बिजनेसेस तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेंटर से शिफ्ट हो गया कस्टमर सेंटर तक, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाना और बेचना यही चीज़ें दिखाई दे रही थी, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो था वो शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट सेंटर वाला कहाँ पे, कस्टमर सेंटर में। और यहाँ पे क्या बात की गई थी, सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी, मतलब यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी कि कस्टमर की नीड और वॉन्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बनाएंगे। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड द की अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज बीइंग इफेक्टिव देन द कॉम्पिटिटर। सो यहाँ पे वही बात की गई थी जो हमने आगे डेफिनेशन में पढ़ी थी कि हम मतलब मार्केटर जो है वो प्रोडक्ट को बनाएगा कस्टमर की नीड और वॉन्ट को देखने के बाद, फिर उन तक पहुँचाएगा, डिलीवर करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, प्रमोशन एफर्ट करेगा और उनको सुपीरियर कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी उन्होंने टारगेट मार्केट चूज किया होगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था थेडोर लेविट, तो इन्होंने क्या दिया था, मार्केटिंग मायोपिया दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही फोकस किया जा रहा है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बारे में, बट कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने मार्केटिंग मायोपिया का टर्म कॉइन किया था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का अंतर समझाया है। सेलिंग जो होती है, अभी देखिए ये वाला जो लाइन दिया है येलो कलर में पूरा हाईलाइट किया है, ये लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको अच्छे से येलो कलर में कर दिया है ताकि आप इसको जरूर लिख लें। सेलिंग जो है वो फोकस करती है नीड किसके, सेलर की, सेलर के फायदे के बारे में बात करती है सेलिंग, बट मार्केटिंग किसके भलाई के बारे में बात करती है, बायर के, कस्टमर के। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो भी हम देख रहे थे उसमें सेलर का प्रॉफिट छुपा हुआ है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को कैश में बदलना चाहता है, बट मार्केटिंग जो है उसका आइडिया क्या है कि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना। यहाँ पे मार्केटिंग एक ही फोकस कर रही है कि कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, उसको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट विद द, बहुत अलग अलग क्लस्टर ऑफ थिंग हमने देखी थी, क्रिएट, डिलीवरिंग एंड फाइनली कंज्यूमिंग इट। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बात की गई थी कि एवरीथिंग मैटर, हर एक चीज मैटर करती है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही बोल सकते हैं ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड अप्रोच था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये कभी आया था 21st सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ पे नए बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई थी, ठीक है, और ये एक मॉडर्न तरीके से बात करता था, और ये जितनी भी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस थे, जितने भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे थे उसके बहुत आगे बात करता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न है, 21st सेंचुरी में है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग मार्केटिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, और उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड बताया गया था, एवरीथिंग मैटर, हर एक चीज मैटर करती है मार्केटिंग में, ठीक है, और ये होलिस्टिक मार्केटिंग इसीलिए है
अब इसमें ये क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो दूर करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेम, इसको मैंने और अच्छे से किया है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डीप में करा रही हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, वही हम मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप, एक सेकेंड, मार्केटिंग प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई थी ब्रेड और इंटरडिपेंसी, और यहाँ पे एक कीवर्ड की बात की गई थी कि हर एक चीज़ मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर्स इन द मार्केटिंग, और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर चार कंपोनेंट आते हैं और इन चार कंपोनेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना। रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड बता रही हूँ, रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या बात की गई थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात की गई थी, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उन सभी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना, सिर्फ कस्टमर के साथ ही नहीं, इम्प्लॉयज़ के साथ भी, और अलग अलग सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उनके साथ भी, और शेयर होल्डर के साथ भी, अलग अलग लोगों के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखना और उनको अपने बिजनेस में रिटेन करके रखना, ठीक है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, अ की गोल ऑफ मार्केटिंग इज डेवलप डीप इंड्योरिंग रिलेशनशिप विद द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट डायरेक्टली इनडायरेक्ट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द फर्म इन मार्केटिंग एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या बात की गई थी, बिल्ड करना है म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कॉन्स्टिट्यूट, की कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो की पर्सन है, जैसे कि यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं, उनको, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना और उनको अपने बिजनेस में रिटेन करना। फोर की कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन है जिनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, वो है कस्टमर, कंपनी के एम्प्लॉयज, मार्केटिंग पार्टनर्स, मार्केटिंग पार्टनर्स में आ जाते हैं चैनल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एजेंसी, ये सारे क्या है, मार्केटिंग के पार्टनर हैं, एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कम्युनिटी, फाइनेंशियल कम्युनिटी में शेयर होल्डर आ जाते हैं, इन्वेस्टर, एनालिस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या बात की थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड में सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की बात की गई थी, जो हमने अभी तक पढ़ा, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज़ को हम इकट्ठा करके काम करेंगे। ऑकर्स व्हेन द मार्केटर डिवाइसेस मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको इकट्ठा काम करना है लेके, ठीक है, और असेंबल करना है जितने भी मार्केटिंग प्रोग्राम है, ताकि क्रिएट किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके और डिलीवर किया जा सके वैल्यू फॉर कंज्यूमर। और यहाँ पे बात की गई थी होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स पे काम करने की जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा करके काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई थी, वही बात है, क्रिएट, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना वैल्यू कस्टमर को, और साथ ही साथ मार्केटर को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को विथ ऑल अदर एक्टिविटी इन द माइंड। तो यहाँ पे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट की बात की गई थी, और क्रिएट, कम्युनिकेट करने की बात की गई थी, डिलीवर करने की बात की गई थी। अब बात करें इंटरनल मार्केटिंग में क्या होता है, तो एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज़ अ टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एबल इम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग में बात की गई है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लॉयज़ है उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नए नए इम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा ताकि वो आगे चल के कस्टमर को अच्छे से क्या कर सके, सर्व कर सके, ठीक है। इट इंश्योर दैट एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन इम्ब्रेसेस अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्रिंसिपल, स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना, ये मेन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो। ओवरऑल रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिटर्न टू द बिजनेस एंड सोसाइटी एंड फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। स्मार्ट मार्केटर बियॉन्ड सेल्स रेवेन्यू टू एग्जामिन मार्केटिंग स्कोर कार्ड, इंटरप्रेट वॉट इज हैपन टू मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें ओवरऑल की बात की गई है कि सबका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, ठीक है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, मार्केटिंग शेयर को और ज़्यादा गेन करना है, ठीक है, वही सारी बात की गई है। दे ऑल्सो कंसिडर लीगल, एथिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल इफेक्ट इन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आगे एक हम थोड़ा सा इसका ये कर लेते हैं समरी, ठीक है, ताकि आपको पूरा रिकॉल हो, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड हमने कर लिया है।
प्रोडक्शन में क्या बात की गई थी कि वही प्रोडक्ट परचेज किए जाएंगे जो वाइडली अवेलेबल है, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और लो कॉस्ट के होते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बात की गई थी कि हम क्या ऑफर करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी देंगे, इनोवेटिव फीचर्स देंगे, परफॉर्मेंस देंगे। और एक यहाँ पे बात की गई थी मार्केटिंग मायोपिया की। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थेडोर लेविट ने दिया था। मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो जो निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया में क्या होता है कि हमें सिर्फ नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसे कहा गया है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया गया, सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहा था, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था कि कस्टमर चाहता क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात की गई थी कि हम हार्डकोर सेलिंग करेंगे, नो कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट फिट हिमसेल्फ एंड सेल। तो हम कस्टमर को जानेंगे कि वो उसको उसके उसके हिसाब से, मतलब कि उसको एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। यहाँ पे क्या बात की गई थी, एग्रेसिव सेलिंग बात की गई थी, कस्टमर को परसुवेट करने की बात की गई थी, प्रोडक्ट उनके ऊपर फिट होना चाहिए ताकि वो बिक जाए। सेलिंग के ऊपर बात की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बात की गई थी कि हम कस्टमर की नीड को, यहाँ पे सेटिस्फाई वर्ड आएगा, कस्टमर सेटिस्फाई करना है, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ये आगे चल के अलग से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे जो सोसाइटी के लिए सेफ हो। अब यहाँ पे एमसीक्यू लगाने हैं तो इसका आंसर आप लोग ही देना, ठीक है? इतना अभी रिवीजन कराने के बाद आपको अच्छे से आ जाएगा ये एमसीक्यू, ठीक है? आपको खुद ही आंसर करना है। ये हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है, ये 2 है, मैं नंबर्स भी दे देती हूँ ताकि कमेंट सेक्शन में आप बता सको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट होल्ड डैट कंज्यूमर प्रिफर द प्रोडक्ट विच आर इजिली अवेलेबल एंड आर इनएक्सपेंसिव। कीवर्ड आ गया आपके सामने, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कंज्यूमर वही प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, हर जगह अवेलेबल हो जाए, आसानी से अवेलेबल हो जाए और सस्ता हो। ऑफकोर्स हमारा क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, ठीक है? उसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या था, तो देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग में 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना क्या क्या है। तो इसका आंसर आएगा, पहले आप लोग डिसाइड कर लो क्या आंसर है, फिर मैं बताती हूँ। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग था, यस था। इंटरनल मार्केटिंग था, यस था। प्रोडक्ट पोजिशनिंग था क्या, नहीं, ये हम आगे पढ़ने वाले, यहाँ पे नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग था, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया, पहला ऑप्शन गलत। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग था, रिलेशनशिप मार्केटिंग था, सोशल मार्केटिंग यहाँ पे नहीं था, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग था क्या, यस था। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग था, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग था, इंटरनल मार्केटिंग था और परफॉर्मेंस मार्केटिंग था, यस। हमारा आंसर ये बन गया, थर्ड वाला। और यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे सोशल मार्केटिंग आ गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है, तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या क्या देखा था, रिलेशन मार्केटिंग जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखते हैं हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स से, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में सारी की सारी एक्टिविटी को एक साथ लेके चलते हैं, इंटरनल मार्केटिंग में इंप्लॉइज़ को ट्रेन करते हैं ताकि आगे चल के कस्टमर को हैंडल कर सके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। तो ये 4 चीज़ें हमने देखी थी और मैंने बताया था इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी मैं आपको अच्छे से करा देती हूँ। इसके बाद हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स ऑलरेडी बहुत ही मतलब उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये कर लेते हैं, इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं, ठीक है? ये कर लेते हैं, एक सेकेंड, स्लाइड सॉरी बोलना चाहती हूँ, स्लाइड बहुत ही इधर उधर हो रही है। यस, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर डिमांड है ये पूरी तरीके से अलग है इकोनॉमिक्स के डिमांड से, ठीक है?
और जो भी मार्केटर है अगर वो इस डिमांड को अच्छे से एनालिसिस कर लेता है तो उसको कभी भी बिजनेस में लॉस नहीं होगा, अगर वो मार्केट के डिमांड को अच्छे से समझ लेता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है निगेटिव डिमांड। निगेटिव डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर डिसलाइक कर देता है प्रोडक्ट को, या तो वो प्राइस पे करता है ताकि वो अवॉइड कर सके। निगेटिव में क्या है, कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, या तो पसंद नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, या तो उससे पीछा छुड़वाना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेंटल सर्विसेज हो गए, ठीक है, डेंटल वर्क हो गया। अब बताइए इंश्योरेंस जल्दी कोई लेना चाहता है क्या, नहीं लेना चाहता है। ऑफ कोर्स अगर यंग एज में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा। डेंटिस्ट के पास कोई जाना चाहता है क्या, नहीं। उनसे बचने के लिए वो प्रिवेंटिव मेजर ले लेगा, अपने दांतों का देखभाल करेगा ताकि डेंटिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। तो ये होता है क्या, निगेटिव डिमांड, कस्टमर डिसलाइक कर देते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड है डिसलाइक द प्रोडक्ट। नॉन एग्जिस्टेंस की बात करें, नॉन एग्जिस्टेंट में मतलब क्या हो रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड में प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसका कारण ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है कस्टमर उसको जानता ही नहीं है, या तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है उस प्रोडक्ट में, अनइंटरेस्टेड है। अब देखिए बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं, बिना मार्केटिंग रिसर्च किए, बिना डिमांड को समझे प्रोडक्ट बना लेती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब पूरा बोल सकते हैं ना स्टॉक भर लेती है, बट कस्टमर उसको परचेस ही नहीं करता है। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि कस्टमर जानता नहीं है, या तो नया प्रोडक्ट है तो लेना नहीं चाहता, अनइंटरेस्टेड है, तो ये नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड हो गया। आप बहुत सारे कोचिंग भी ले लो, उसकी भी डिमांड नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गई है आज के डेट में, ठीक है। आज के बहुत सारा मतलब कोचिंग सेंटर खुल गया है तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सेकेंड, लेटेंट डिमांड की। लेटेंट मतलब लेट, लेट मतलब इसकी जो भी मतलब हमें नीड पहले महसूस हुई और वो प्रोडक्ट बाद में आया, बस इतना समझ लो, लेटेंट प्रोडक्ट जो है वो लेट आया। कंज्यूमर को स्ट्रांग नीड थी और जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, जो हमारे पहले नॉर्मल फ़ोन आते थे, ठीक है, तो उसके अंदर सारे फीचर्स नहीं थे, कैमरा इतना अच्छा नहीं था उसके अंदर, मतलब वो नॉर्मल फ़ोन जो हमारे बटन वाले फ़ोन थे, कीपैड वाले, उसमें मतलब सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता था, ये भी बोल सकते स्पेस की कमी थी। तो हमारी स्ट्रांग नीड थी कि हमारे पास कोई बड़ा फ़ोन आता, उसमें सारे के सारे फीचर्स होते, बट वो नॉर्मल फ़ोन वो उसकी वो नीड हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो बाद में अभी उसका आविष्कार हुआ स्मार्टफोन का, तो लेट आया, तो ये क्या है, लेटेंट डिमांड। कंज्यूमर को नीड पहले अराइज हुई और प्रोडक्ट बाद में आया, ऐसा भी कह सकते हो। उसके बाद डिक्लाइनिंग डिमांड है। डिक्लाइनिंग डिमांड का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो धीरे धीरे गिर रही है, ठीक है। अभी हमारे मतलब एक ऐसा फेज आता ही है मार्केटिंग में कि पहले इस तरीके से, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो देखा ही होगा, तो डिक्लाइन होना शुरू कर जाती है, गिरने शुरू हो जाती है। गिरने का कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपका प्रोडक्ट न्यू होता है तो कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, फिर धीरे धीरे करके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लग जाते हैं, वो आपसे ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, ज़्यादा प्रमोशन करने लगते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, तो डिक्लाइन कर जाती है। तो इसके वजह से कंज्यूमर कम परचेज करता है, या तो बिल्कुल भी नहीं करता है, तो डिक्लाइनिंग डिमांड में कम परचेस करता है प्रोडक्ट को, या तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इरेगुलर डिमांड ये मतलब इसके हिसाब से होती है, सीजन के हिसाब से हम बोल सकते हैं, मंथ के हिसाब से होती है, वीकली के हिसाब से होती है, डेली, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसके लिए क्या है, ये इरेगुलर है, ठीक है। कंज्यूमर परचेसेस वेरी ऑन सीजनल, जैसे दिवाली में बहुत सारे लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली मतलब मंथली भी करनी होती है ना बहुत सारी शॉपिंग, वीकली भी करनी होती है, अवर्ली बेसिस पे भी करनी होती है, तो इरेगुलर, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। फुल डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर एडिकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट प्लेस। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जितना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है,
उतना ही सप्लाई हो रहा है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, आपने जितना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, मतलब आपने 100 प्रोडक्ट बनाया है और 100 की डिमांड हो रही है, ठीक है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पास 100 प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, सप्लाई आप 100 कर पा रहे हो। ठीक है, समझ लेना, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उसके बाद ओवरफुल डिमांड में क्या होता है, ओवरफुल डिमांड में कंज्यूमर ज़्यादा हो जाते हैं डिमांड करने के लिए और आपके पास प्रोडक्ट कम पड़ जाते हैं। मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाई द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओवरफुल डिमांड का अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ रही है 100, पर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब आपके मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है और सप्लाई सिर्फ हो पा रही है 50 की, 50 की सप्लाई हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे बना नहीं पा रही हूँ मैं, 50 है, 50 की सप्लाई हो पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई से, तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई, ओवरफुल डिमांड की। ठीक है, अनहोलसम डिमांड वो डिमांड है जिनकी डिमांड होनी नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है, जैसे सिगरेट्स हो गया है, तंबाकू हो गया है, ठीक है, अल्कोहल हो गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड होनी नहीं चाहिए, फिर भी होती है। तो वो अनहोलसम डिमांड में आती है। कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है उन प्रोडक्ट के तरफ जिनके अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो, वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो उनकी डिमांड को बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, अब इसके एमसीक्यू आप देख लो अच्छे से और आपको खुद बताना है। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करना है। ये हमारा तीसरा एमसीक्यू होगा और ये चौथा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड स्टेट्स कंज्यूमर आर एडिकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इन टू द मार्केट प्लेस। इनमें से कौन सी ऐसी डिमांड है जिसमें कंज्यूमर जितने के जितने प्रोडक्ट मार्केट में रखे हैं वो सब कुछ परचेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे है कि जितनी सप्लाई है उतना ही डिमांड है, इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन वन है लेटेंट डिमांड। लेटेंट का मतलब आपको स्ट्रांग नीड होती है बट आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वो नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो लेटेंट डिमांड है। फुल डिमांड में क्या होता है, जितनी सप्लाई मतलब जितनी डिमांड है, जैसे कि 100 की डिमांड हो रही है और आपके पास 100 प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट बिक सकते हैं, तो ये फुल डिमांड की सिचुएशन हो गई। ओवरफुल में इसका अपोजिट होता है, ठीक है, डिमांड 100 की है और सप्लाई 50 की कर पा रहे हो, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो कौन सी सिचुएशन है, ओवरफुल डिमांड की। इरेगुलर में तो डिमांड मंथली सीजनल ऐसे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ स्टेट ऑफ डिमांड वेयर मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे प्राइस टू अवॉइड इट। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको आंसर बताना है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज निगेटिव डिमांड। निगेटिव डिमांड में देखा था ना हमने, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट टू डिमांड तो होती नहीं है, तो आंसर ऐसे ही रॉन्ग हो गया। डिक्लाइन में तो प्रोडक्ट की डिमांड गिरती रहती है, ओवरफुल में डिमांड ज़्यादा होती है बट प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण हम लोग उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो ओवरफुल डिमांड की सिचुएशन हो गई। निगेटिव डिमांड में क्या होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहता, डिसलाइक कर देता है या तो प्राइस पे करता है ताकि अवॉइड कर सके, तो ये क्या हो गई, निगेटिव डिमांड हो गई। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे मार्केटिंग मिक्स आपको कराना है, बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स लेके आई हूँ, आपको यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अगर आपको कुछ बताना है कमेंट सेक्शन में तो भी बता सकते हैं इस वीडियो के रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन।